एक महत्वपूर्ण बात है, हमें जब अपने नौ वर्ष की बात याद आए उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जाइएगा नेट पर सर्च करिएगा, ओनली मैन मेड ऑब्जेक्ट विच हैज क्रॉस्ड अवर सोलर सिस्टम इज वॉयजर 2 विच वॉज सेंट इन 1978। उसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के लिए एक संदेश डिजाइन किया गया है जिसमें बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारे चित्र हैं, बहुत सारे डिपिक्शन हैं। और जिस साइंटिस्ट, जिस कॉस्मोलॉजिस्ट ने उस संदेश को डिजाइन किया था उनका नाम था कार्ल सेगन। और कार्ल सेगन ने कहा है, ओनली द कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन ऑफ एंशियंट हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन, यानी 1.97 बिलियन तक पहुंचे। आज माना जाता है कि 4.5 बिलियन है। अब वो कितना सही है वो आगे की बात है, परंतु उनका कहना था बाकी कोई सभ्यता तो हजार में नहीं पहुंच पाई, लाख में नहीं पहुंची। किसी ने कहा 5,000 साल पहले दुनिया बनी थी, किसी ने कहा 14,000 साल पहले दुनिया बनी थी, तो वो 50,000 तक भी नहीं पहुंचे और हम बिलियन तक पहुंचे। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी थी और इस ढंग के पर्व हमें कहीं ना कहीं उस चीज के बारे में रिमाइंड कर देते हैं। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, अभी अभी कुंभ का मेला समाप्त हुआ। आप सभी को पता है कि कुंभ मेला जो 4 स्थानों पर होता है, हर 12 वर्ष के बाद उसी स्थान पर होता है। पर 12 ही वर्ष के बाद क्यों होता है? क्योंकि यह बृहस्पति ग्रह की रोटेशन पीरियड से कनेक्टेड है। हर 12 साल के बाद बृहस्पति उसी बिंदु पर आता है। जैसे प्रयाग में कुंभ का मेला तब होता है जब बृहस्पति वृष राशि पे होता है, अर्धकुंभ तब होता है जब वृश्चिक राशि पे होता है, उज्जैन में तब होता है जब बृहस्पति सिंह राशि पे होता है। इसीलिए आप ध्यान करिए, उज्जैन को सिंहस्थ भी कहते हैं। अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा पर ध्यान नहीं दिया होगा कि उसको सिंहस्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि उस समय गुरु महाराज सिंह राशि पे होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जुपिटर का रोटेशन पीरियड 12 साल है, ये हमें 1,000 साल पहले से पता था। और आपको कब पता चला? 150 साल पहले। उसके बावजूद हम अवैज्ञानिक हैं और बाकी लोग वैज्ञानिक हैं, ये रैशनलिस्ट थिंकर्स ने हमको बताया है। दूसरा उदाहरण देता हूं, उससे पहले एक पर्व पड़ा था हमारा, मकर संक्रांति, सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण जाने का पर्व। अब ये दक्षिणायन से उत्तरायण क्या होता है? मूविंग फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो ऐसे होता है जैसे ये अर्थ है, ये अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है। अगर ये स्ट्रेट होती तो सूर्य की किरणें सीधे इक्वेटर के आसपास कंटिन्यूअस पड़ती और वो इलाका रेगिस्तान बन जाता बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट, और नॉर्थ और साउथ पोल बर्फीले रेगिस्तान बन जाते, तो ना मौसम बदलता ना जीवन होता। पर फैक्ट ये है कि अर्थ स्ट्रेट ना होकर 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है, तो हाफ ऑफ द टाइम सदर्न हेमिस्फीयर पर रहता है, हाफ ऑफ द टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर रहता है, तो मौसम भी बदलता है और जीवन भी चलता है। मकर संक्रांति हम कब से मना रहे हैं? वैदिक काल से। इसका मतलब द अर्थ टिल्ट एंड इट्स सक्सेसिव चेंजिंग ऑफ द पोजिशन ऑफ सन विज अविज अर्थ, यह हमें 1,000 साल पहले से पता था। इसके बावजूद हम अवैज्ञानिक हैं, और जो ये कहते थे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जो कहते थे धरती चपटी है गोल नहीं है, वो लोग वैज्ञानिक थे। ये रैशनलिस्ट थिंकर्स ने हमको समझाया और हमें 3 पीढ़ियों से ये बताया गया, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग पर भी उस चीज का असर पड़ जाता है। तो ये बहुत सारे आज के जो पर्व हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें, अच्छा ये चीजें ऐसी रच बस जाती हैं हमारी व्यवस्था में कि उसको डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है, इसमें क्या वैज्ञानिक है और क्या अवैज्ञानिक है, वो कुछ कुछ जानते कैसे है। जैसे हम लोगों ने क्लास 2nd 3rd में जब एडिशन सबसेक्शन पढ़ा तो क्या कहा जाता है, 4 + 3 कैसे करो, तो टीचर बताती है 4 लाइनें खींचो, फिर कहते हैं जी 3 लाइनें खींचो, फिर चारों को काउंट करो 7, अब ये हुआ। अब जो मैथमेटिक्स का मैसी है उससे पूछिए तो वो 4 to the power 3 का इक्वेशन ऐसे ही बता देगा, तो वो 4th क्लास के बच्चे के हिसाब से तो अवैज्ञानिक है, क्योंकि उसने 4 लाइनें नहीं खींची, फिर आगे 3 लाइनें नहीं खींची, चारों को जोड़ा नहीं, तो कैसे बता दिया? वैज्ञानिक अवैज्ञानिक नहीं है, मेंटल लेवल का डिफरेंस है। बस ऐसा ही कुछ अंतर हमारे और बाकियों की सोच में भी था, और हमारी वो चीज कहीं ना कहीं इसमें। अब मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, हम लोगों का नववर्ष सामान्यतः मार्च से प्रारंभ होता है, 2000 साल पहले तो मार्च से ही होता था, आज कभी मार्च में पड़ता है, कभी अप्रैल के शुरू में पड़ता है। तो ग्रेगेरियन कैलेंडर और हमारे कैलेंडर में 2 महीने का डिफरेंस है। हमारे यहां एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है इस कैलेंडर में, आप देखिए हमारा एक भी महीना किसी राजा वाजा के नाम पे नहीं है,
अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को चैत्र क्यों कहते हैं? जिस दिन मून विल बी राइजिंग यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होगी, उस क्षण मून जिस नक्षत्र में होगा, वो चित्रा नक्षत्र में होगा तो चैत्र मास होगा, विशाखा नक्षत्र में होगा तो वैशाख मास होगा, ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा तो ज्येष्ठ होगा। और नक्षत्र यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन वॉज ओनली विद द इंडियन सिस्टम। नक्षत्र क्या है? 9 प्लैनेट तो पता है, अरे बैकग्राउंड में जो पैटर्न बन रहा है स्टार्स का वो भी तो पता होना चाहिए, यानी यू हैव टू हैव नॉलेज बियॉन्ड द सोलर सिस्टम। खैर उसके बाद तो हमारे और उनके में अंतर है 2 महीने का। ग्रेगरियन कैलेंडर के तमाम महीने बहुत बहुत नामों पे पड़े, सबको पता है जनवरी, फरवरी, जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई पड़ गया, सेंट अगस्टस के नाम पे अगस्त पड़ गया, तो उसको बढ़ाना था तो 30 की बजाय 31 कर दिया गया क्योंकि स्टेचर बड़ा दिखाना था। मगर 7-4 महीने ऐसे हैं जिनके के बारे में नहीं पता है किसके नाम पे पड़े, वो हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब सितंबर इज द 9th मंथ ऑफ द ग्रेगरियन कैलेंडर, पर एज अवर कैलेंडर इट इज अ 7th मंथ। और हमारे यहां जोडियक को 12 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, तो 12 भागों में विभाजित है, तो एक प्रकार से आकाश को अंबर भी कहते हैं। तो जब सूर्य अंबर के 7वें हिस्से में है तो वो सप्त अंबर है, जब 8वें हिस्से में है तो वो अष्ट अंबर है, जब 9वें हिस्से में है तो वो नवम अंबर है, जब 10वें हिस्से में है तो वो दशम अंबर है। अब कोई ये कहे जी आपने तो सिमिली ड्रॉ कर दी, इसका लॉजिक क्या है? तो पहला लॉजिक तो ये है कि आप बता दीजिए चारों नाम कहां से आए, वो भी इसी सीक्वेंस में। और दूसरा लॉजिक ये है भाई 30 से 31 के कई महीने किए तो आखिरी महीने में से डेट कम होगी ना, तो दिसंबर 28 का होना चाहिए था, ये फरवरी 28 का क्यों होता है? लॉजिकल है ना कि जब आप पिकअप करेंगे कहीं से तो एंड से ही वो कम होगा, इसका मतलब फरवरी वो तो लास्ट मंथ, ये तो बाद में आपने चेंज किया, ये आप समझ लीजिए। इसका अर्थ क्या हुआ? पूरी दुनिया हमारे ही संवत्सर को मानती थी, पूरी दुनिया नॉलेज के जिस लेवल पे थी वो हमारा ही अनुसरण करती थी, और इसीलिए शिक्षा के मामले में भारत विश्व का गुरु था। देखिए एक हम बात करें, हम सुपर पावर नहीं थे और सुपर पावर बनना भी नहीं चाहते थे, तो पावरफुल आदमी के बगल में आप खड़े हो जाइए तो आप थोड़ा संकोच में महसूस करते हैं, थोड़ा ठिटका हुआ महसूस करते हैं, कभी कभी थोड़ा दबा हुआ महसूस करते हैं, और गुरु के बगल में खड़े हो जाइए तो उन्नत, आनंदित और आह्लादित महसूस करते हैं। पावरफुल आदमी आपको फोर्स कर सकता है कोई काम करने के लिए, इंस्पायर नहीं कर सकता, इंस्पायर गुरु करता है। इसीलिए भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो अपने को भारत माता भी कहता है, और अगर हम पुल्लिंग में आते हैं तो जगत गुरु थे, और भारत में गुरु और शिष्य परंपरा थी। देखिए जब हम शिक्षा की बात करते हैं, आज सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई कि शिक्षा के संदर्भ में हमारे कॉन्सेप्ट वेस्ट के इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा आ गए। आप सब लोग मतलब इतने विद्वान हैं, सबको ही पता होगा, हम सब लोग एक ना एक समय पर डिग्री ले चुके हैं। जब डिग्री लेना होता है तो उसको कन्वोकेशन होता है, कन्वोकेशन को हिंदी या संस्कृत में क्या कहते हैं? दीक्षांत समारोह, शिक्षांत समारोह नहीं कहते। दीक्षा हमारे यहां इंपॉर्टेंट है, हमारे यहां यह कहा जाता है किस गुरु से दीक्षा ली, शिक्षा ली नहीं। शिक्षा लेने के लिए तो गुरु की आवश्यकता ही नहीं, किताबें अवेलेबल है मार्केट में, आजकल इंटरनेट पर ज्ञान अवेलेबल है। जैसे मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रहा, मुझे थोड़ी रुचि हो गई इतिहास के बारे में, इतिहास की किताबें पढ़ लीजिए, आपको अर्थशास्त्र के बारे में रुचि हो जाए, एक 20-25 किताबें, 30-40 किताबें एक साल में पढ़ डालिए, 2 साल में आप 2 साल बाद अर्थशास्त्र के बड़े अच्छे विद्वान हो जाएंगे। शिक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं, दीक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता है। और हमारे यहां गुरु और शिष्य में शिक्षा का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल डिफरेंट है। गुरु शब्द की व्याख्या आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगी, निश्चित रूप से सभी को पता है, गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है उसको निवारण करना, जो संस्कृत में है गुरु शब्दस्तु अंधकार स्यात् रू शब्दस्तन निवर्तिका अंधकार निवर्तित्वात् गुरु नित्य विधीयते, इसका काम अंधकार का निवारण करना हो। परंतु शिष्य की परिभाषा आप में से हो सकता कुछ लोगों को पता हो, और मुझे लगता कुछ लोगों को ना भी पता हो। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड शिष्य?
आजकल एक और बात भी हो गई, हमारे बच्चे बहुत अंग्रेजी पढ़ने लगे हैं, विदेशी भाषाएं पढ़ने लगे हैं, तो वो जो मूल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से अलग होने लगे हैं। एक्चुअली में हिंदी या संस्कृत में एक शब्द होता है शेष, रिजिडुअल, कितना शेष बचा। शिष्य इज द एडजेक्टिव ऑफ शेष। वेस्ट का कॉन्सेप्ट यह कहता है शिक्षा देनी है तो हमें नॉलेज इंपार्ट करनी है, सर्टेन सब्जेक्ट, सर्टेन थिंग्स, सर्टेन कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में हमें इंट्रोड्यूस करने हैं बुद्धि के स्तर पे। हमारी शिक्षा कहती है इंट्रोड्यूस नहीं करने, कोई चीज देनी नहीं है, उसका स्वरूप जो है वो तो हमेशा से ज्ञान का ही है, क्योंकि हमारे यहां हर व्यक्ति को माना गया है अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म का स्वरूप है, केवल माया का आवरण उसके ऊपर आके सेटल हो गया है, उसे हटाना है, और जो जो हटता जाएगा नॉलेज उभर के सामने आती चली जाएगी। इसलिए जब आपने माया को हटाया या अज्ञान का उसके ऊपर से सेटलमेंट हटाया, जो शेष बचा वो शिष्य था। और हम सब ने वो श्लोक भी सुना है, शायद उसके अर्थ पे कभी ध्यान नहीं दिया। गुरु और शिष्य के लिए क्या श्लोक बोला जाता है, गुरु शिष्य से कहता है ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ क्या हुआ, पूर्णमिदं यह पूर्ण है, पूर्णमदः मैं पूर्ण हूं, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है, इन्फिनिटी में से आप इन्फिनिटी को टेक आउट करिए इन्फिनिटी बचता है, तो मैंने पूर्ण में से पूर्ण निकाला और अब जो शेष बचा वो भी पूर्ण था, यानी उसका पूर्ण स्वरूप सामने आ गया। यू हैव टेकन इन्फिनिटी आउट ऑफ द इन्फिनिटी बट द रेजिडुअल विल ऑलवेज बी इन्फिनिटी। तो गुरु और शिष्य परंपरा का ये अर्थ था, ये नॉलेज का एक अलग लेवल था। इसलिए हमारे यहां नॉलेज के दो पार्ट्स है, विद्या और अविद्या। वेस्ट में ऐसा डिविजन ही नहीं था, इसलिए वो कंफ्यूज कर गए विद्या क्या है और अविद्या क्या है। अविद्या सुनने में एक निगेटिव वर्ड लगता है, ऐसा निगेटिव नहीं था। ऑल वर्ल्डली नॉलेज वर अविद्या, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री सोशियोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी इंजीनियरिंग मेडिकल मैथमेटिक्स से लेके आप मैनेजमेंट ये जो पढ़िए, जो कुछ सांसारिक है वह अविद्या है। विद्या क्या है उसकी क्लियर डेफिनेशन थी, सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वो जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। सरस्वती माँ विद्या की देवी थी, विद्या के लिए अधिकारी होना आवश्यक है, अविद्या के लिए अधिकारी होना कोई आवश्यक नहीं। वर्ल्डी नॉलेज के लिए जैसे मैंने कहा ना गुरु की आवश्यकता ना पात्रता की आवश्यकता, जिस सब्जेक्ट का मूड आ जाए किताब पढ़ लीजिए। मगर आज भी अगर आपको अपने अंदर स्पिरिचुअल एलिवेशन करना है तो बहुत सारे अपने ऊपर कंस्ट्रेंट्स लाने पड़ते हैं, कोई गुरु चुनना पड़ता है, उसके गाइडेंस में चलना पड़ता है, क्योंकि आपके पर्सनालिटी का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसलिए उनका शिक्षा का कॉन्सेप्ट और हमारा शिक्षा के कॉन्सेप्ट में फंडामेंटल डिफरेंस था। और आप यह भी समझ लीजिए, हम सबसे पूछा जाता है कि एंशियंट इंडिया में सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज कौन सी, अरे ढेर सारी हैं, मगर मजबूरी में भी जाकर जिस डिस्कवरी को हमारे रैशनलिस्ट स्वीकार करने को बाध्य होते हैं तो कहते हैं जी जीरो भारत ने खोजा था। जीरो तो भारत ने खोजा था, पर जीरो भारत ने क्यों खोजा इसका जवाब कोई नहीं बता पाता। जीरो हमने इसलिए खोजा, जीरो का सबसे बड़ा खास ये बात यह है कि आप कितने भी नंबर्स तक कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। जीरो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर कोई नंबर एक्स है डिवाइडेड बाय एन, उसकी सर्टेन वैल्यू होती है, आप एन की वैल्यू कम करते चले जाइए तो रिजल्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, एक्स बाई 20 से एक्स बाई 10 की वैल्यू ज्यादा होगी, एक्स बाई 10 से एक्स बाई 5 की वैल्यू ज्यादा होगी, एक्स बाई 4 की वैल्यू उससे ज्यादा होगी, फिर एक्स बाई 1 की वैल्यू इज इक्वल टू एक्स होगी और एक्स बाई जीरो विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। इसका अर्थ क्या हुआ, अनंत का रास्ता शून्य से होकर जाता है और हम अनंत खोजने में लगे थे, इसलिए हम शून्य को खोजने में सफल हुए। अभी शून्य की एक और खासियत है, आप 0.00001 को जीरो से डिवाइड करिए तो भी इन्फिनिटी है, एंड 1 बिलियन टू दी पावर ट्रिलियन को जीरो से डिवाइड करिए तब भी इन्फिनिटी है। इसलिए आप ईश्वर का साक्षात करके अपने अंदर शून्य पैदा करिए, या एक पत्थर की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करके उसके माध्यम से अपने अंदर शून्य पैदा करिए, अनंत दोनों स्थितियों में आपका स्वागत करने को तैयार खड़ा है।
इसलिए हमारे यहां साइंस, स्पिरिचुअलिज्म, कॉन्सेप्ट, संस्कृति, धर्म सब इस कदर मिला हुआ था कि उनके लिए डिमार्केशन करना असंभव था। जैसे हम में से आपने बहुतों ने सुना होगा वैदिक मैथमेटिक्स, मैथ